नमस्कार, मैं हूं पायल गुड़ियाल। स्वागत है आपका लाइव एक्सप्रेस की न्यूज बुलेटिन में। पाक के गृह मंत्रालय ने संसद को यह जानकारी दी है कि मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद की अगुवाई वाला जमात उद्दावा 61 प्रतिबंधित संगठनों की सूची में सम्मिलित नहीं है। गृह राज्य मंत्री बलीगुर रहमान ने पाकिस्तानी संसद के उच्च सदन सीनेट में 21 प्रतिबंधित आतंकवादी, अलगाववादी और चरमपंथी संगठनों की सूची सौंपी। कोलकाता की सड़कों पर गरीबों और बीमारों की सेवा में 45 साल बिताने वाली नोबेल पुरस्कार विजेता मदर टेरेसा को रोमन कैथोलिक चर्च के संत की उपाधि दी जाएगी। पोप फ्रांसिसी ने ये उपाधि देने के लिए टेरेसा के दूसरे चिकित्सकीय चमत्कार को मान्यता दी है। सर्वदलीय बैठक में राज्यसभा का गतिरोध टूटा। आपको बता दें कि जीएसटी पर आत्मसहमति नहीं बनी। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने सीरिया के राष्ट्रपति को सलाह दी। आपको बता दें कि ओबामा ने कहा कि स्थिरता के लिए असद को सत्ता छोड़ देनी चाहिए। साथ ही ओबामा ने ये भी कहा कि राष्ट्रपति बशर अल असद को सीरिया में स्थिरता कायम करने और देश में नरसंहार गृह युद्ध की समाप्ति के लिए सत्ता त्याग देनी चाहिए। ISI का बड़ा खुलासा सामने आया है। आपको बता दें कि ISI अब पढ़े लिखे मासूम बच्चों को अपने जाल में फंसा रहा है। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने वादा किया है कि वे पाकिस्तान टीम की प्रतिष्ठा का ख्याल रखेंगे।
फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए लाइव एक्सप्रेस। नमस्कार। ये है लाइव न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस 24/7 ऑनलाइन चैनल।